हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 2.1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। इफ वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स होल स्क्वेयर, प्रूव दैट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर इंटू वाई 2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 वाई 1 इज इक्वल टू 2। आइए इसको प्रूव करते हैं। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। करते हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो किसका है, x का फंक्शन है, तो क्या आएगा यहां से, y1 वन इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का क्या आएगा हमारे पास, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इसको करते हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई 1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई 2 प्लस 2x वाई 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब करेंगे इसकी दोनों साइड 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर वाई 2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई 1 इज इक्वल टू 2। देखो हमें ये तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18, इफ y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 10 इनवर्स x, हमारे पास ये है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई 2 प्लस 2x माइनस 1 वाई 1 इज इक्वल टू 0, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। आइए इसको प्रूव करते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, अब क्या होगा हमारे पास, y1, ठीक है। यहां से e रेज टू पावर 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू पावर 10 इनवर्स x एज इट इज। अब 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर क्रॉस मल्टीप्लाई वाई वन इज इक्वल टू ई एज टू पावर 10 इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई वन। अब देखो इसको हम यहां से y लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट, क्योंकि ये फंक्शन हमारे पास y के इक्वल है, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या है यहां से, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई 2 प्लस 2x y1 इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, y1 यही आएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है y1, लेकिन हमें क्या चाहिए क्वेश्चन के अंदर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई 2 ये टर्म हमारे पास है इंटू y1 के साथ क्या चाहिए हमें, 2x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई 2 प्लस y1 यहां से कॉमन 2x इस साइड लेके आएंगे तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही तो हमें चाहिए था, हो गया प्रूफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19, इफ y इज इक्वल टू e रेज टू पावर m साइन इनवर्स x, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई 2 माइनस एक्स वाई 1 इज इक्वल टू एम स्क्वेयर वाई, हमें ये प्रूव करना है। आइए इसको प्रूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 को, सेम वही काम, इसको हम क्या करेंगे वाई वन के इक्वेशन फर्स्ट के को क्या करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है। ये क्या इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा वाई वन इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एम साइन इनवर्स एक्स इन टू एम ओवर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई y1 m e raise to power m sin inverse x, हमें देखो स्क्वायर भी चाहिए m स्क्वायर और यहां पे रूट भी है, क्या करेंगे इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर e raise to power m sin inverse x इसका स्क्वायर, ठीक है। यह आएगा हमारे पास, ये फंक्शन हो गया। अब क्या करना है इसका हमें, अगेन डेरिवेटिव, जो स्क्वायर है ये फंक्शन हमारे पास e रेस टू पावर है, इस टू को हम यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहां से अब क्या करेंगे इसका अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y2 चाहिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू वाई वन वाई टू, यहां से माइनस टू एक्स वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, अब ई रेस टू पावर टू एम साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेम यही आएगा टू एम साइन इनवर्स एक्स। अब यहां से हमारे पास क्या होगा, ये इसका डेरिवेटिव करेंगे पावर का, तो हमारे पास क्या आएगा एम ओवर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही चाहिए हमें, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, नहीं, वन माइनस एक्स स्क्वायर टू वाई वन वाई टू, वाई वन यहाँ पे है, वाई वन यहाँ पे है, इसको रिप्लेस करते हैं एम स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा जो ये हमारे पास है एम स्क्वायर, ये एक ये है एम क्यूब, जो ये फंक्शन हमारे पास है ऊपर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, या फिर एक काम करें डायरेक्ट e रेस टू पावर m साइन इनवर्स x, e रेस टू पावर m साइन इनवर्स x, यदि इसको y लिखें या फिर इसको y1 लिखें, m साइन इनवर्स x, एक मिनट, एक यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये टू हमारे पास क्या, इसके पावर में जाएगा ये, यानी ये पावर में जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा डेरिवेटिव इसका, एम स्क्वायर पावर का डेरिवेटिव टू ई रेस टू पावर एम साइन इनवर्स एक्स, अब अगेन इसका डेरिवेटिव क्या आएगा ई रेस टू पावर एम साइन इनवर्स एक्स का, एम ये तो हमने किसका किया, पावर का किया, अब इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा e रेस टू पावर m साइन इनवर्स x, फिर इसका डेरिवेटिव तो m ओवर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। देखते हैं यहाँ से हमारे पास क्या बनने वाला है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू यहाँ पर भी है, टू यहाँ पर भी है और टू यहाँ पर भी है, कॉमन निकाल के कट कर देंगे इसको, वाई वन वाई टू माइनस एक्स वाई वन स्क्वायर, यहाँ से एम स्क्वेयर ई रेस टू पावर एम साइन इनवर्स एक्स है, इसको क्या ले सकते हैं हम वाई के इक्वल, वाई के इक्वल, अब ये बच्चा ई रेस टू पावर एम साइन इनवर्स एक्स, ई रेस टू पावर एम साइन इनवर्स एक्स एम ओवर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, सेम यही है, इसको लिख सकते हैं हम वाई वन के इक्वल, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन कौन सी, इसको चलो सेकेंड मान लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब देखो हमारे पास वाई वन वाई वन वाई वन कैंसिल कर देते हैं बोथ साइड, तो वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू एम स्क्वेयर वाई, देखो हमें यही चाहिए था, आ गया हमारा आंसर यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं 20 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या कहता है, इफ वाई इज इक्वल टू लॉग वन प्लस कोस एक्स टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है यहां पे, वाई थ्री प्लस वाई वन वाई टू इज इक्वल टू जीरो। 20th क्वेश्चन के अंदर लो आई लॉग वन प्लस एक्स, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, इसको क्या करेंगे, लेट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, वाई वन इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाई एक्स, तो यहां से वन बाई वन प्लस कोस एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव तो हमारे पास आएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव करते हैं इसका, वाई टू लगाते हैं यहाँ पे कोशेंट रूल, तो यहाँ से वन प्लस कोस एक्स, फिर माइनस साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, माइनस साइन एक्स का कोस एक्स, और ये माइनस एज इट इज, फिर माइनस माइनस साइन एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कोस एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स माइनस माइनस प्लस, फिर एक माइनस ये माइनस साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाय वन प्लस कोस एक्स होल स्क्वेयर वाई टू, यहाँ से हमारे पास माइनस कोस एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स होल स्क्वेयर माइनस कोस एक्स माइनस, देखो ये आइडेंटिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है, वन के इक्वल, तो यहाँ पे लिखेंगे वन वन प्लस कोस एक्स होल स्क्वेयर, अब यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं, माइनस वन प्लस कोस एक्स बाय वन प्लस कोस एक्स होल स्क्वेयर, अब एक पावर से ये कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पर, माइनस वन बाय वन प्लस कोस एक्स, ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पे क्या है, वाई टू है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से देखो हमें क्या चाहिए, वाई टू यहाँ पे है, वाई टू है, इसके साथ क्या होना चाहिए हमारे पास, वाई वन होना चाहिए, ये तो सॉरी वाई टू आ गया हमारे पास, हमें चाहिए वाई थ्री, अब वाई थ्री भी निकालते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, और यहाँ पर वाई वन की वैल्यू जो हमें निकाली थी इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। हमारे पास सेकंड भी आ गई, थर्ड भी आ गई, हमें निकालना थर्ड डेरिवेटिव, अब निकाल थर्ड डेरिवेटिव इसका, तो थर्ड डेरिवेटिव निकालूँ मैं, इसको रेज कर देता हूँ यहाँ से, इसको नोट कर लेते हैं वाई वन वाई टू को, क्योंकि हमारे काम आने वाला है, वाई टू हमारे पास आया है माइनस वन बाई वन प्लस कोस एक्स इक्वेशन नंबर थर्ड, अब करते इसका डेरिवेटिव, वाई थ्री हमारे पास क्या आएगा, माइनस ओ वन बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर, माइनस ये एक माइनस उसमें आएगा, तो वन बाई एक्स स्क्वेयर, फिर एक्स का तो डेरिवेटिव करना होता है हमें, कोस है हमारे पास यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये हमारे पास हुई क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मान लेते हैं इसको, या फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए ये आंसर, ठीक है। तो इस फंक्शन को देखो हम क्या लिख सकते हैं, इस माइनस को यहाँ पे क्या हमारे पास, वन प्लस कोस एक्स का होल स्क्वेयर है, इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, कोस एक्स इंटू यहाँ पे माइनस साइन एक्स ओवर वन प्लस कोस एक्स, हमने अलग अलग कर दिया पावर्स को, दो पावर थे, हमने क्या किया इसको ब्रेक कर दिया, एक यहाँ पे लिख दी एक यहाँ पे लिख दी, अब देखो ये हमारे पास वन अपॉन वन प्लस कोस एक्स, वन अपॉन वन प्लस कोस एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, ये वाई टू के इक्वल, तो यहाँ से लिखेंगे, लेकिन माइनस वाई टू आएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि माइनस है, यहाँ से ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स, ये क्या हमारे पास वाई वन, यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड, ये हो गया। अब क्या करो, इसको लेफ्ट साइड ले आओ,
वाई टू वाई वन इज इक्वल टू जीरो। देखो हमें यही चाहिए था, क्वेश्चन हमारे यहाँ पे प्रूव होता है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21, इफ वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट। तो प्रूव हमें क्या करना है, इक्वेशन के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू जीरो, हमें ये प्रूव करना है सेकेंड डेरिवेटिव तक। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से वाई वन इज इक्वल टू लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और फिर इसका डेरिवेटिव वन प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाई टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर इसका डेरिवेटिव, तो क्या आएगा हमारे पास टू एक्स। ठीक है, यहां पर टू से टू कैंसिल हुआ, वन अपॉन एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर। यहां पर देखो हम एलसीएम ले सकते हैं इसका, रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर क्या आएगा, वन प्लस एक्स स्क्वेयर रूट प्लस एक्स। देखो यहां पे एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर है, यहां पर भी एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर है, इससे ये कैंसल, बचेगा क्या हमारे पास, वन बाई रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास हुआ। अब क्या करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई वन रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, वाई वन स्क्वेयर वन प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या है यहां से टू वाई वन वाई टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर इंटू टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखो टू यहां पर भी है, टू यहां पर भी है, कॉमन लेके कैंसिल, वाई वन यहां भी है, वाई वन यहां भी है, कॉमन लेके कैंसिल, बचेगा क्या, वाई टू वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई वन एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमें देखो यही चाहिए, वन प्लस एक्स स्क्वेयर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 21 भी फिनिश हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 ये हमारे पास है, इफ वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर, ये हमारे पास दिया हुआ है यहां पे। प्रूव क्या करना हमें, टू प्रूव करना हमें वन प्लस एक्स स्क्वेयर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू टू, हमें ये प्रूव करना है, एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर वन प्लस एक्स स्क्वेयर वाई टू प्लस एक्स वाई वन। ठीक है, आइए इसको प्रूव करते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है, सॉरी वाई इक्वल टू दिया हुआ हमारे पास, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास क्या आएगा, वाई वन इज इक्वल टू पावर को होगा पहले लॉग एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर, अब इस लॉग का डेरिवेटिव होगा वन बाई एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर, अब फिर किसका होगा, जो फंक्शन हमारे पास है इसका डेरिवेटिव होगा, क्या आएगा, वन प्लस वन बाई टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू टू एक्स। अब टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा वहां पर, तो यहां से क्या आएगा, टू लॉग एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर
इसको यहाँ पर लिख देते हैं, और यहां से हमारे पास इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, इसको भी कैंसिल आउट, ठीक है, ये बचा हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वाई वन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू लॉग एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करें इसका, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, मैं एक स्टेप के अंदर कर रहा हूं, अब लिख लेना टेकिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां से ये हट जाएगा, इसका स्क्वेयर हो जाएगा, यहां से टू का स्क्वेयर हमारे पास कितना आएगा फोर, और इसका स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। अब लॉग एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वेयर क्या हमारे पास वाई के इक्वल, तो इसको लिखेंगे हम फोर वाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये वो हमारे पास। अब करेंगे इसका डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, टू वाई वन वाई टू वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई वन का स्क्वेयर एज इट इज इन टू टू एक्स इज इक्वल टू फोर वाई वन, ठीक है। अब देखो y1 यहां भी है, y1 यहां भी है, और y1 यहां भी है, कॉमन लेके इसको क्या कर सकते हैं हम, कैंसिल कर सकते हैं, और 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, और 2 यहां भी है, कैंसिल करें कॉमन लेके 2y1 को, तो बचेगा क्या y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू टू, सॉरी y1 तो हमने कैंसिल कर दिया, यहां से बचेगा क्या 2 बचेगा। देखो क्या हमें यही प्रूव करना था, y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई वन इज इक्वल टू टू, हो गया प्रूव क्वेश्चन नंबर 22। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, क्वेश्चन नंबर 23 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन 23 हमारे पास है इफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, प्रूव दैट हमारे पास है टू वाई वन वाई थ्री इज इक्वल टू थ्री वाई टू स्क्वेयर। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है, करते इसको प्रूव, अच्छा है तो क्या हुआ, अच्छा भी करना है सो का में, अच्छे क्वेश्चन करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे इसका, क्या आएगा वाई वन, चलो इसको क्या करें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेरिवेटिव पहले बाद में करेंगे इसका, सी एक्स प्लस डी हम यहाँ पर क्वेश्चन टू लगाएंगे थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा हमें, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब करते हैं इसका डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे सी एक्स है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे ए आएगा, ये हो गया हमारे पास। अगेन डेरिवेटिव करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से सी एक्स प्लस डी y2 प्लस cy1 प्लस cy1, इसका भी यही आएगा ना, इज इक्वल टू जीरो, सी एक्स प्लस डी वाई टू प्लस टू सी वाई वन इज इक्वल टू जीरो, सी एक्स प्लस डी वाई टू इज इक्वल टू माइनस टू सी वाई वन। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब क्या करना है हमें, वाई थ्री भी निकालना है, अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से क्या आएगा सी एक्स प्लस डी वाई थ्री प्लस सी वाई टू इज इक्वल टू माइनस टू सी
वाई टू हमारे पास ही आ गया। तो सी एक्स प्लस डी वाई थ्री इज इक्वल टू ये उस साइड जाएगा सी वाई टू, इस साइड भी सी वाई टू, तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस थ्री सी वाई टू। इक्वेशन नंबर फोर्थ, हमने वाई थ्री तो डेरिवेटिव कर लिया इसका, लेकिन हमारे पास कुछ इस टाइप से फॉर्म नहीं बन रही है, तो हम क्या करेंगे फॉर्म बनाने के लिए, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर्थ इसका यूज़ करते हैं। सी यहाँ पे या सी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वाई टू वाई थ्री वाई वन इसके टर्म दिखेंगे। ठीक है, अब करते हैं इसको डिवाइडिंग थ्री बाई फोर, इस थर्ड इक्वेशन को फोर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे लिखते हैं सी एक्स प्लस डी वाई टू ओवर सी एक्स प्लस डी वाई थ्री इज इक्वल टू माइनस टू सी वाई वन अपॉन माइनस टू सॉरी क्या है वाई वन, ठीक है माइनस थ्री सी वाई टू, माइनस थ्री सी वाई टू यही आएगा हमारे पास, या कहीं मिस्टेक होगी कुछ, चलो देखते हैं निकालते हैं इसका भी, ये कैंसिल यहाँ पे ये कैंसिल सी से सी कैंसिल, ठीक है यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, करते क्रॉस मल्टीप्लाई थ्री वाई टू यहाँ पे वाई टू है स्क्वेयर, यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा टू वाई वन वाई थ्री, देखो यही आया, इसको लिख सकते हैं हम टू वाई वन वाई थ्री इज इक्वल टू थ्री वाई टू स्क्वेयर, देखो हमें यही चाहिए था, आ गया हमारा क्वेश्चन 23। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, क्वेश्चन 24 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है इफ x इज इक्वल टू cos थीटा एंड y इज इक्वल टू sin क्यूब थीटा, 24th क्वेश्चन, और प्रूव करना हमें क्या प्रूव करना है y डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री साइन स्क्वेयर थीटा इंटू फाइव कोस के थीटा माइनस वन। क्वेश्चन होने वाला बहुत अच्छा, अमेजिंग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करने मजा आएगा। ये हमारे पास कैसी फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक है कैसी फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म, लेकिन डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में पूछ रही है, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है तुम निकालते हैं यहां से डी एक्स बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा एंड डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू थ्री साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है अब डी वाई बाई डी एक्स चाहिए हमें, तो क्या आएगा डी वाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स बाई डी थीटा, इसके लिए हमारे पास थ्री साइन स्क्वेयर थीटा कोस थीटा ओवर माइनस साइन थीटा, साइन से ये साइन कैंसिल हो गया हमारे पास, तो क्या है यहाँ से माइनस थ्री साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, चलो फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, अब क्या करना हमें सेकेंड डेरिवेटिव करना है, आइए करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से क्या आएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये फंक्शन हमारे पास दो फंक्शन है, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल साइन थीटा एज इट इज कोस थीटा डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट अब साइन थीटा एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा कोस थीटा, ठीक है तो यहाँ से माइनस थ्री माइनस साइन स्क्वेयर थीटा
प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, ये हमारे पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव। लेकिन हमारे पास ये फॉर्म तो नहीं आई, ये फॉर्म हम कैसे लेके आएंगे? देखो हमें चाहिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर, लेकिन हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है, तो क्या करेंगे इक्वेशन वन का स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। और इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम, क्या चाहिए हमें वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम वाई से, मल्टीप्लाई इक्वेशन टू बाई वाई, तो क्या आएगा वाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस थ्री वाई माइनस साइन के थीटा प्लस कोस के थीटा, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया हमारे पास। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने वाले इसका हम चलिए करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन वन, वी गेट हमें यहां से क्या मिलेगा इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री का स्क्वेयर नाइन साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर थीटा, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या है वाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर एंड फोर्थ इक्वेशन हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर, जो हमें लेफ्ट साइड में चाहिए था वो हमारे पास आ गया, ठीक है। एक हमने क्या किया यहाँ पे एक चीज़ रह गई किसका, हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया है एक्स के रिस्पेक्ट में, अब थीटा का डेरिवेटिव भी तो करना था हमें यहाँ पे, वो तो किया ही नहीं, इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ये वैल्यू हमारे पास क्या है इसका रेसिप्रोकल वन अपॉन माइनस साइन थीटा, ठीक है। देखो छोटी छोटी मिस्टेक फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अब माइनस ये है माइनस ये तो प्लस हो जाएगा और नीचे हमारे पास क्या है साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास आ गई है, इक्वेशन नंबर फोर्थ हमारे पास आ गई है, इसको करते हैं हम ऐड, मैं इसको रेज कर देता हूँ यहाँ पे, इसका हमारे पास काम हो सकता है कहीं पे, चलो देखते हैं बाद में होगा या नहीं होगा, फिलहाल तो हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ का काम है। हमने क्या किया जस्ट डेरिवेटिव किया, जो लेफ्ट साइड फॉर्म चाहिए थी हमने वो बना ली, यहां से हमारे पास dx by d थीटा वैल्यू है, dx by d थीटा हमें कहीं नहीं चाहिएगा, हमें y चाहिएगा, y के लिए हमारे पास है, और कुछ हमें चाहिए नहीं चाहिए, जस्ट y चाहिएगा हमें, तो मैं इसको भी इरेज कर देता हूं, हमें जस्ट y चाहिएगा। अब क्या करेंगे एडिंग थ्री एंड फोर्थ, तो हमारे पास क्या आएगा वाई डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसके वैल्यू हमारे पास क्या आई है थ्री वाई बाई साइन थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, और इसके वैल्यू हमारे पास आई प्लस नाइन साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। अब देखो हमारे पास वाई है, वाई के वैल्यू क्या हमारे पास साइन क्यूब थीटा, तो रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे हम साइन क्यूब थीटा बाई साइन थीटा, अंदर क्या हमारे पास माइनस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस नाइन साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। अब यहाँ से एक पावर कैंसिल, कितनी पावर बची हमारे पास टू पावर बची, हमें क्या चाहिए थ्री साइन स्क्वेयर थीटा चाहिए, तो थ्री साइन स्क्वेयर थीटा ये यहाँ से भी हमारे पास है और यहाँ से भी कॉमन निकाल लें, तो अंदर क्या बचने वाला है माइनस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस, जब यहाँ से थ्री साइन स्क्वेयर थीटा बाहर निकलेगा तो यहाँ बचेगा थ्री कोस स्क्वेयर थीटा, ये आ गया हमारे पास। इसको करते सिंप्लीफाई थ्री साइन स्क्वेयर थीटा, अब कोस स्क्वेयर थीटा प्लस थ्री कोस स्क्वेयर थीटा, तो क्या होगा हमारे पास फोर कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, हमारा आंसर तो क्या चाहिए कोस के टर्म में चाहिए, तो इस साइन को क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे किससे वन माइनस कोस स्क्वेयर थीटा से, वन माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, उस आइडेंटिटी का हमने क्या किया यहां पे यूज किया, यहां से हमारे पास आएगा थ्री साइन स्क्वेयर थीटा
फोर कोस के थीटा माइनस वन प्लस कोस के थीटा, थ्री साइंस के थीटा, फोर प्लस वन फाइव कोस के थीटा माइनस वन। देखो हमें यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25, 25 हमारे पास है इफ y इज इक्वल टू x प्लस कोट x, शो दैट। अब शो करवा रहा हमसे, कोई नहीं कर देंगे, साइन स्क्वायर x y2 माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास ये है, ये वाई टू अलग है, ठीक है, हमने ये प्रूव करना साइन स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस टू वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 25, तो यहां से इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से y1 इज इक्वल टू वन कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। ये आ गया हमारे पास, हमें क्या चाहिए y2, अगेन डेरिवेटिव यहां से जीरो माइनस कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के अंदर होता है वो माइनस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, टू कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, ये वो हमारे पास, यहां से टू कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू कोट एक्स, ये हमारे पास आ गया वाई टू। देखो मैं वाई टू चाहिए था, वाई टू भी ठीक है, अब इसका क्या करें, टू अपोन हमें चाहिए साइन स्क्वेयर, तो साइन स्क्वेयर एक्स कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू वन बाय साइन एक्स, ठीक है, इंटू यहां से कोट एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स इस साइड आएगा, वाई टू इज इक्वल टू टू कोट एक्स, ये वो हमारे पास। अब यहां पे टू कोट एक्स के वैल्यू यहां से निकाल के लिख सकते हैं, कोट एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, ऐसे निकाल सकते हैं वैल्यू, तो यहां पे क्या आएगा वाई माइनस एक्स यूजिंग फर्स्ट, 2y माइनस 2x y2 sin स्क्वेयर x, एक साइड ले आते हैं इसको, y2 sin स्क्वेयर x प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू जीरो। देखो हमें यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव 2x माइनस 2y। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन 26, इफ वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, इसका एंगल हमारे पास साइन एक्स है, टू प्रूव हमें करना है वाई टू प्लस क्वेश्चन नंबर 26 वाई टू प्लस टेन एक्स, वाई वन यहां लिख लेते हैं अदरवाइज फिर एंगल लगेगा वो, प्लस वाई कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, हमें ये प्रूव करना है, आइए करते हैं इसको प्रूव। इसको मान लेते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ताकि हमारा कहीं यूज करना पड़ सकता है हमें, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या आएगा वाई वन साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, ठीक है, ये इसका एंगल है, ये जी चीज रहेगा, कभी इसका डेरिवेटिव कर दो, अब करना है इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का कोस एक्स, ठीक है, तो यहां से हमारे पास कोस इंटू कोस एक्स इंटू कोस ऑफ साइन एक्स, इसको इस टाइप से लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो।
अब फिर क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे लगेगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव साइन एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकेंड माइनस के साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का, साइन एक्स का हमारे पास क्या होगा कोस एक्स। यहां से हमारे पास y2 टू माइनस साइन एक्स कोस ऑफ साइन एक्स और यहां से माइनस कोस एक्स ही है, कोस एक्स ही है, कोस स्क्वेयर एक्स साइन ऑफ साइन एक्स, ये हमारे पास आ गया। अब देखो हमारे पास y की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ साइन एक्स, तो यहां पे हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं y माइनस साइन एक्स कोस ऑफ साइन एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स यहाँ पे y, ठीक है y होगा हमारे पास। अब ये वैल्यू हमारे पास है क्या यहाँ पे, चलो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ से इसका हम यूज करने वाले हैं यूजिंग फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे कोस ऑफ साइन एक्स है, यहाँ पे कोस ऑफ साइन एक्स है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये नीचे आएगा इसके y1 अपॉन cos x, y1 अपॉन cos x यूजिंग कौन सी इक्वेशन सेकंड, क्या कि हमने cos ऑफ sin x की हमें वैल्यू चाहिए थी, cos ऑफ sin x हमारे पास यहाँ पे है, तो इसको हम नीचे ले आए y1 के, ठीक है। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये tan x y1 और यहाँ पे y2, ये हमारे पास कोस स्क्वेयर एक्स वाई माइनस कोस स्क्वेयर एक्स वाई, तो y2 एक साइड लेते सभी को प्लस टेन एक्स वाई वन प्लस कोस स्क्वेयर एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, हमें यही चाहिए था y2 प्लस टेन एक्स वाई वन प्लस वाई कोस स्क्वेयर एक्स। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 यहाँ पे प्रूव होता है, ठीक है।